वेलकम टू सैन इन्फोटेक। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल के सिंक्रोनाइज कॉन्टैक्ट अगर डिलीट हो जाते हैं तो वो कैसे रिकवर करना है, इसके बारे में आज बताने वाला हूँ। आपके मोबाइल में जीमेल के अकाउंट के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, अगर वो एक्सीडेंटली डिलीट हो जाते हैं तो आप रिकवर कर सकते हो। तो ये कैसे रिकवर हो सकते हैं ये आज मैं बताने वाला हूँ। तो देखते हैं कि मैं अभी कॉन्टैक्ट में जाता हूँ और ये कॉन्टैक्ट में आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जैसे कि सिम में कॉन्टैक्ट होते हैं, फ़ोन में कॉन्टैक्ट होते हैं, और आपके जीमेल का जो अकाउंट होता है उसके अंदर सिंक्रोनाइज किए हुए अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मेरे जीमेल के अकाउंट से हर एक अकाउंट में अलग अलग कॉन्टैक्ट लिस्ट है। तो इसमें से अगर ये डिलीट हो जाते हैं, जीमेल का मैं स्पेशली आज बताने वाला हूँ कि जीमेल के अकाउंट कॉन्टैक्ट्स, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके डिलीट कैसे हो सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया कि ये मेरे दो अकाउंट हैं, इसमें से एक अकाउंट सिलेक्ट कर दिया, इसमें ये सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट है, इसमें से ये तीन डॉट के ऊपर जाके मैंने ये कॉन्टैक्ट सब डिलीट कर दिए। तो अभी ये कॉन्टैक्ट पूरी तरह से, अगर ये मोबाइल से डिलीट हो गए तो ये अपने आपके अकाउंट से भी डिलीट हो जाते हैं। तो इसे कैसे आप रिकवर कर सकते हैं, तो इसके लिए आप मोबाइल जो है मोबाइल डिवाइस से भी आप रिकवर कर सकते हैं, या आप आपके सिस्टम पे लॉगिन करके रिकवर कर सकते हैं। मैं आज आपको दोनों ही बताने वाला हूँ। सो लेट्स सी हाउ टू रिकवर डिलीटेड कॉन्टैक्ट जीमेल अकाउंट। तो मैं बैक में जाता हूँ, यहाँ पर ये जीमेल ओपन करता हूँ, जीमेल का जो भी एप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर आपको जो भी कॉन्टैक्ट्स रिकवर करना है उसका अकाउंट आपका यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए, जैसे कि मेरा लॉगिन ऑलरेडी है। तो ये जो तीन लाइंस दिख रही है उसके ऊपर क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद यहाँ पर गूगल ऐप, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स और कैलेंडर, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो कॉन्टैक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, अगर आप डिस्प्ले हो जाएगा जो मेरा अकाउंट से डिलीट हुए, ये मेरा अकाउंट है। तो अलग अलग अकाउंट अगर होंगे तो आप पर्टिकुलर अकाउंट सेलेक्ट करो, और अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट इन दिस अकाउंट, यानी पूरे कॉन्टैक्ट जो है डिलीट हो चुके हैं। तो मुझे क्या करना है, ये थ्री लाइन पर क्लिक करना है, बाद में कॉन्टैक्ट के थ्री लाइन के बाद ऊपर क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाना है। तो सेटिंग में आप यहाँ पर आपको नीचे आना है, जहाँ पर ऑप्शंस होता है मैनेज कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी फाइल जनरेट है तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, और आपके कॉन्टैक्ट एक्सपोर्ट भी करके रख सकते हो। तो रिस्टोर ये ऑप्शन जो है कि ऑलरेडी आपने सेव करके रखा है तो आप रिस्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर अंडू चेंजेस, तो ये अंडू चेंजेस ऑप्शन जो है, आप अपने गलती से अगर डिलीट हो गए तो आप ये अंडू कर सकते हो। तो यहाँ पर अंडू चेंजेस के ऊपर क्लिक करो, कौन सा अकाउंट है मेरा, ये बहुत सारे अकाउंट ये मोबाइल डिवाइस पे लॉगिन है जीमेल की, इसलिए मैं जो प्रॉपर जो डिलीटेड अकाउंट है वो सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर चेंज योर कॉन्टैक्ट लिस्ट बैक टू एनी स्टेट इन पास्ट 30 डेज, मैं 30 दिन के अंदर आप उसे अंडू कर सकते हो। तो अगर आप 30 दिन से ज़्यादा हो गए तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि अगर 10 मिनट के, ये 10 मिनट 1 आवर यस्टरडे, अगर कल से आप, कल आपने अगर डिलीट किए तो आप ये आप अंडू कर सकते हो। तो मेरा, मैंने अभी अभी ये डिलीट किए, तो मैं 1 आवर सेलेक्ट करता हूँ, कंफर्म करो। कंफर्म करने के बाद योर कॉन्टैक्ट लिस्ट विल बी चेंज बैक टू हाउ इट वॉज ऑन संडे 14, जो भी डेट है, जो जहाँ पर आज मैं ये कर रहा हूँ, तो ये यहाँ तक आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ये जैसे पहले था वैसी के वैसी हो जाएगा। उसे ओके करो, अभी चेक करते हैं। तो मैं कॉन्टैक्ट में देखो, ये सारे जो मेरा जो भी ईमेल है इसके अंदर ये कॉन्टैक्ट्स डिटेल है, ये पूरे रजिस्टर हो गए। तो ये सिमिलर प्रोसेस आप लैपटॉप या सिस्टम के ऊपर भी कर सकते हो। तो मैं एक रैपिडली आपको सिस्टम के ऊपर ही बता देता हूँ कि कैसे अंडू करना है। तो दोस्तों, अभी देखते हैं कि सिस्टम या लैपटॉप से कैसे ये सब प्रोसीजर कर सकते हैं। आपको जीमेल लॉगिन करना है, जीमेल आपका जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल के जीमेल का लॉगिन करना है।
आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी जीमेल की। तो यहाँ पर जो चार डॉट, अब ये जो डॉट दिख रहे हैं आप यहाँ पर क्लिक करो, और यहाँ पर नीचे कांटेक्ट ऑप्शन होता है उसके ऊपर क्लिक करो। तो ये कांटेक्ट का ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपकी कांटेक्ट आपको डिस्प्ले हो जाएगी। देखो अगर ये दो तीन कांटेक्ट, ये लॉगिन आईडी में मेरे जो लॉगिन आईडी है इसमें, अब ये डिलीट हो गए। तो ये डिलीट होने के बाद इसे अभी अनडू करना है जैसे मोबाइल में किया था। तो आपको यहाँ पर ये सेटिंग, ये ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर अनडू चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अभी इसे अनडू कर देता हूँ। अभी अनडू करने के बाद ये पूरे कॉन्टैक्ट फिर से आ गए। तो इस तरह से आप लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर भी आपका ये प्रोसेस कर सकते हो। जीमेल के अंदर जो भी कॉन्टैक्ट स्टोर होते हैं, अगर वो गलती से डिलीट हो जाते हैं, तो आप उसे रिस्टोर कर सकते हो 30 दिन के अंदर। उसका इससे दूसरा एक ऑप्शन है कि आप उसे एक्सपोर्ट करके रखो, सेव करके रखो। आप कभी भी उसे रिस्टोर, नया मोबाइल लेने के बाद अगर आप डिवाइस चेंज करते हो, तो आप उसे उसके अंदर फिर से रिस्टोर हो सकता है। तो दोस्तों ये अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर क्लिक करो। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।